नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। शहर के आसिफगंज स्थित काजी गन हाउस के संचालक 50,000 के इनामी सैयद मोहम्मद अरशद काजी को रविवार की शाम जहां गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं सोमवार को एटीएस और आजमगढ़ पुलिस ने लेकर उनके गन हाउस पर पहुंची और ताला खुलवाकर गन हाउस में रखे असलहों की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि यूपी एटीएस द्वारा 28 अक्टूबर को बिलरियागंज थाना क्षेत्र से अफ्ताब आलम व मयउद्दीन शेख एवं दो अन्य अभियुक्तों को भारी मात्रा में अर्धनिर्मित असलहों, जिंदा कारतूस, आधुनिक पेन बम, शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में काजी गन हाउस का भी कनेक्शन सामने आया था, जिसका संचालक सैयद मोहम्मद अरशद काजी निवासी आसिफगंज शहर कोतवाली पर अवैध शस्त्रों व कारतूसों की तस्करी और निर्माण में संलिप्त था, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। यूपी एटीएस ने उसे कंद्रापुर थाना क्षेत्र के मंदूरी से रविवार को गिरफ्तार किया और सोमवार को कड़ी सुरक्षा में लेकर उसके गन हाउस पर पहुंची और ताला खुलवाकर असलहों की जांच में पुलिस जुट गई। सभी असलहों के डाटा का मिलान कराया जा रहा। एसपी अनुराग आर ने बताया कि जांच पड़ताल में जो भी बातें सामने आएंगी उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा। उन्हें बताया कि उनकी तरफ से उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, जबकि डीआईजी आजमगढ़ के तरफ से 50,000 का इनाम घोषित था। थाना बिलरियागंज पर कुछ समय पहले एटीएस और आजमगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो अवैध तमंचा और अवैध शस्त्र में सम्मिलित लोग पकड़े गए थे, जिनकी पूछताछ में एक व्यक्ति काजी मोहम्मद अरशद, जो आसिफगंज थाना कोतवाली का रहने वाला है, इसका नाम प्रकाश में आया था। इसके ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और डीआईजी सर के द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसको एटीएस और आजमगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कल गिरफ्तार किया गया है। इससे विस्तार में पूछताछ की जा रही है। इस केस की विवेचना के लिए एक अनुभवी विवेचक और उनके साथ एक टीम गठित की गई है। उनको लगातार इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई वो कर रहे हैं। इसका जो काजीगंज हाउस है उसकी भी संयुक्त टीम के द्वारा जितने उसमें शस्त्र हैं, कारतूस हैं और जो भी उसमें सामान है उसका पूरा मिलान कराया जाएगा, उसकी विधिवत जांच की जाएगी और इसमें और भी अगर कोई लोग शामिल हैं तो उनके खिलाफ भी विवेचना में शामिल करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इसका नेटवर्क कहाँ था, जैसे कहाँ ये हथियार अपने पेशा करता था? ये तो बहुत पूछताछ, जब डिटेल में इससे पूछताछ होगी, वर्तमान में पूछताछ चल रही है, तो उसके पूरा डिटेल जो भी मिलेगा वो आपके साथ साझा किया जाएगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।